फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिज़ायर पे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप रेगुलर फूड खाते खाते, जैसे रेगुलर सब्जियाँ दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो या तो आप उनके साथ या आप अलग से प्लेन रोटी या प्लेन राइस के साथ आप ले सकते हैं उसको, और आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये 2 मिनट रेसिपी हैं, नॉर्मल इंग्रेडिएंट से बनती हैं जो घर में रेगुलर यूज़ होते हैं, और आप इनको ट्राई करके देखिएगा, फिर आप मेरे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिएगा मेरे साथ। देखिए ये मैं तीनों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ये हैं वो 3 तरह की चटनियाँ रेसिपी जिन्हें आज हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक लिया है पैन में लिया है 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इस रिफाइंड ऑयल को मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। इस रिफाइंड ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देंगे हम, भुनने देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, और इस राई को भी थोड़ा सा हम भुनने देंगे। उसके बाद मैंने एक यहाँ बड़ा प्याज, जिसको ऐसे ही रॉ चॉप कर लिया है, मैंने लंबा लंबा काट लिया है, अब मैं इसको डालूंगी उसमें। और इसको प्याज को पूरी तरीके से डालने के बाद यहाँ मैंने लिया है छोटा छोटा अदरक, 1 इंच के लगभग टुकड़ा था ये अदरक का, मैंने इसको भी छोटा छोटा बारीक काट लिया है। और एक मैंने लिया है ये बड़ा टमाटर, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और ये हैं 2 से 3 हरी मिर्ची, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है, नॉर्मल मिर्ची है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक। फ्रेंड्स, आपको ये देखने में बहुत इजी और सिंपल लग रहा होगा, बट ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें प्याज का मीठापन होता है, टमाटर और राई का खट्टा, और हरी मिर्च का हल्का सा तीखापन। ये तीनों जब एक साथ मिलती हैं और पकती हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने यहाँ इन सब चीज़ों को एक मिक्स दे दिया है हल्का सा। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक कर के रख दूंगी, सिर्फ 2 मिनट पकाना है, हल्का सा स्टीम देना है, जो इसका कच्चापन है वो इसको दूर करना है, हल्का सा ये सारे फ्लेवर्स आपस में एकदम से मिल जाएं, बस इतना ही हमको पकाना है। यहाँ ये मैंने मेरे दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको देखती हूँ। देखिए ये पूरी तरीके से तैयार है, अब मैं इसको मिला दूँगी अच्छे से, और देखिए ये बहुत अच्छी सी चटनी और एक सॉस या आप कुछ भी कह लीजिए, एक रेसिपी बन करके तैयार हुई है। आप इसको रोटी के साथ खाइए या प्लेन राइस के साथ खाइए, दोनों के साथ ये टेस्टी लगती है। तो आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है हमारी दूसरी रेसिपी। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में लगभग एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी को मैंने गरम किया है, और इसको गरम होने के बाद स्लो फ्लेम पे ही फ्रेंड्स इसको गरम करना है। और इसको गरम होने के बाद यहाँ मैं डालूँगी लगभग 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, और यहाँ नमक डालने के बाद इसको मैं गैस को कर दूँगी बंद, और इस गैस को इसको घी को एकदम से ठंडा हो जाने दीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। यहाँ देखिएगा मैंने गैस भी बंद कर दी है, अब इसको मैं ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जो लाल मिर्ची पाउडर होता है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और बस ये बनकर ये तैयार है। इसको आप देसी घी को नमक और मिर्च मिलाकर और आप रोटी पे पूरा स्प्रेड करके खाइए, ये खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, ये है मेरी तीसरी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ फाइन चॉप धनिया, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक है। यहाँ मैंने ये मिक्सी का जार लिया है, अब मैं इसमें अपना जो मेरा धनिया है या मैंने इसको काट करके धो लिया है पहले से ही, तो मैं इसमें वो डाल रही हूँ। और ये है एक मैंने छोटा प्याज लिया है यहाँ पर, उसको मैंने रॉ चॉप कर लिया है। ये है लगभग 1 इंच का ही अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कीजिए इसमें। और ये हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। और फ्रेंड्स, इसमें ना मैं जो एक अलग सा जो इसमें फ्लेवर आएगा उसमें आएगा इस कच्चे आम का। ये देखिए ये जो है ये आम का अचार है, ये रखा हुआ था मेरे पास पुराना अचार,
तो जो भी आपके पास आम का अचार घर में रखा हो उसी को आप डाल सकते हैं। ये एकदम हमेशा कच्चा आम जो होता है अवेलेबल नहीं होता है हर मौसम में, तो मेरे पास ये था। तो इससे अगर आप अपनी चटनी में डालेंगे तो एक अलग ही फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने ऐड किया है इसमें आधी छोटा चम्मच नमक, और बस इसको मैं लिड लगा करके अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा और इसमें ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा गरम मसाले से भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़े से पानी के साथ, क्योंकि ये एकदम सब सूखा सूखा है तो ये मिक्सी में मिक्स नहीं होगा। और मैंने इसकी लेड लगा दी है और इसको एक फाइन सी प्यूरी बना ली है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी चटनी बनाई है पतली सी एक, और इसको भी आप रोटी या प्लेन राइस के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी के साथ भी ले सकते हैं, उसका भी फ्लेवर और एकदम टेस्ट अलग चेंज कर देती है। ये देखिए तो अब मैं इसको ले चल रही हूँ सर्व करने के प्रोसेस में। तो अब मैं आपको इन अपनी तीनों रेसिपी की दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखिए मैंने जो बनाया है ये घी से जो बनाई थी रेसिपी, और ये है मेरी प्याज और टमाटर की चटनी, और ये है मेरी हरे धनिए और सब मिक्स जो मैंने करके एक चटनी बनाई। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये तीनों रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।